हेलो ऑल। सो आज मैं अपने ऑफिस में हूँ और मैं एक बात बताती हूँ आपको कि अभी मैं थोड़ी देर पहले मतलब मुझे पता चला जो मेरी कलीग है उसका नाम उर्वशी है और उसका आज बर्थडे। हम लोग सब नॉर्मल बात कर रहे थे तो मुझे नेहा के थ्रू पता चला कि आज उर्वशी का बर्थडे है। वो मेरे साथ ही थी, मैंने उसको बोला कि अरे बर्थडे है तो एटलीस्ट एक दिन पहले तो बताना चाहिए ना ताकि हम लोग कुछ प्रिपेयर कर पाए। तो शी वॉज लाइक अरे मैम नहीं कोई बात नहीं, मैं बताती भी नहीं अगर नेहा को नहीं पता चलता। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने उसे विश किया है, अभी मजा आया। हम लोगों ने उसके लिए कुछ प्लान किया है, मैंने उसके लिए बर्थडे केक मंगवा लिया है। अभी मैं बर्थडे केक आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, एंड उसके बाद कैसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे वो भी विल शो यू। केक मैंने मंगवाया है एमपी से, यहाँ की केक मुझे बहुत टेस्टी लगती है तो मैंने एक चॉकलेट केक मंगवाया है उर्वशी के लिए। थोड़ी देर में हम इसे अभी केक कट करेंगे विद ऑल स्टाफ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने अपने ऑफिस से पहली बार ये ब्लॉग शूट किया है। अंशुल इस ब्लॉग को देखेगा तो बोलेगा अरे वाह तुमने स्टार्ट कर लिया। मैं शाम को जब घर जाऊंगी तो मैं अंशुल को दिखाऊंगी, बहुत खुश होगा वैसे अंशुल। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, थोड़ी सी खांसी हो रही है मुझे, तो मैं दवाई ले रही हूँ बट स्टिल कवरिंग मूड पर हूँ तो पता नहीं कब तक ठीक होगी। खांसी ने बड़ा परेशान किया हुआ है। मैं जब सुबह आई थी तो मैंने उर्वशी को देखा, थोड़े चेंजेस तो मुझे उसमें लगे थे। आज वो बेसिकली न्यू हेयर स्टाइल करके आई है, मुझे लगा ऐसे ही करके आई होगी उसका मन कर रहा होगा, बट अभी पता चला कि उसने हेयर स्टाइल क्यों चेंज किया है आज के लिए। और मैंने उस कैबिन में बुलाया है अपने, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ उसका हेयर स्टाइल है, उसे कैसा लग रहा है आज। मैंने अभी उर्वशी को बुलाया है एंड शी इज कमिंग। अंदर आओ अंदर आओ। हैप्पी बर्थडे उर्वशी। कैसा लग रहा है तुम्हें आज? अच्छा ये बताओ तुम जो हेयर स्टाइल बना के आई हो ये आज की वजह से बना के आई हो ना? तुम्हारा बोल दिया? नहीं एक्चुअली मैं जब उठी थी तब मेरी रूममेट की बुआ जी ने मुझे पकड़ लिया और हेयर स्टाइल बना दी क्योंकि उन्हें पता चला कि मेरा बर्थडे है। अच्छा पीछे टर्न करके तो इसलिए उन्होंने आज मुझे सुंदर बनाया। मुझसे फिर से एक गलती हो गई जिसके लिए अंशुल मुझे बार बार डांटता रहता है। मैंने फिर से कैमरा को हॉरिजॉन्टल मोड पे करा है, मतलब मैंने रील की तरह शूट किया। अभी तक जितनी भी वीडियोस पीछे शूट किए मैंने, उर्वशी को बुलाया, केक जो दिखाया वो सब मैंने वर्टिकली नहीं शूट किया, हॉरिजॉन्टल शूट किया जैसे हम रील बनाते हैं। माई मिस्टेक, धीरे धीरे मैं लर्न कर रही हूँ। तो ये वाला व्लॉग जो मैंने शूट किया है वो मैंने वर्टिकल शूट किया है, तो ये वाले के लिए अंशुल खुश हो जाएगा। मेरा ना उर्वशी का केक जो मैंने मंगाया तो मेरा रेड वेलवेट केक खाने का मन भी कर रहा था तो मैंने अपने लिए रेड वेलवेट केक जार ही ऑर्डर किया है। और साथ में हमारे पास कुछ बर्गर्स हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट के लिए बनाए हैं, तो दिखाते हैं रेड वेलवेट केक कैसा है और उर्वशी का बर्थडे केक कैसा है। तो शी नेहा, इन्होंने मुझे उर्वशी का आज बर्थडे बताया था। कुछ वेंडीज से बर्गर एंड फ्राइज ऑर्डर किए हैं फॉर आवर स्टाफ और ये उर्वशी का केक है। हेलो सर, हेलो मैम। अच्छा आपको क्या बोलते हैं? अच्छा हैप्पी बर्थडे मैम, जुग जुग जियो, साल हमें आज के दिन को बरमा रही है। मैंने कब मारा है? ये हमारे VFX आर्टिस्ट है, ये हमारे 3D फैकल्टी है, ये उर्वशी है जिसको बोलते हैं, ये एडमिशन मैनेजर है, ग्राफिक फैकल्टी। वाओ केक दिखाओ उर्वशी, ओह माय गॉड कितना सुंदर आया है। उनकी उर्वशी दिखने के लिए ना जगह नहीं बची इसमें। सर लाइटर देना। उर्वशी कितनी एक्साइटेड हो रही हो तुम? बॉटल बोलते तो देख लेते सर, वो मैं वो नहीं लगा पाना। नॉर्मली हमारे पास हो गए हैं जो पूरा ऑफिस संभालते हैं, हां पर इनके बिना कुछ नहीं होता। आ जाओ उर्वशी मैम, ये लीजिए। क्या चक्कर बना दिया है? वो क्या आप बोलो, क्या पहले फेम मारे ना सबका सबका फेम। हम म्यूजिक देंगे मैम, म्यूजिक देंगे आप। ऐसे यार क्या कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू मी, बड़े हो जाओ। वो खुद से खा लेंगे, अच्छा मैं अभी दिखाऊंगी मैं। उर्वशी यूटिलाइज कर रहे हैं भैया।
आपको बढ़ गई, एक साल बढ़ गई, एक साल बढ़ गई ना उम्र इस साल। तो झूल के आ जाएगी मैम। उर्वशी पे सीरियसली वो मूवी का डायलॉग जाता है कि उर्वशी से उम्र से बढ़ रही है, दिमाग अभी भी बच्चों वाला है। शांति किससे चाहिए? सुकून और शांति किससे चाहिए? किससे चाहिए? नहीं ऐसे बोलो जो यहाँ पर नहीं है उससे चाहिए।